एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर दुलाल चंद्र गोस्वामी के नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। आज हमारे साथ दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि चुनाव की रणनीति क्या है। दुलाल जी, टाइम्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? अभी तो सबसे पहले कि हमारे एनडीए के सभी नेताओं को, खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक किसान और किसान का बेटा, गांव गरीब किसान पर भरोसा करके कटिहार जिला में उन्होंने जो है अपना उम्मीदवार के रूप में घोषित किए हैं। और दूसरा चीज़ है कि आगे का रणनीति पर, अभी तो कल के ही दिन, कल जो है राजेंद्र स्टेडियम से 11 बजे हम लोग नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और नामांकन करेंगे, और पूरे जिला के सभी पंचायतों से लोग उत्साह के साथ इस नामांकन में आएंगे, और नामांकन के बाद आगे की तैयारी चलेगी। और सबसे जो अच्छी बात है कटिहार जिला के लिए कि कटिहार जिला में जो एनडीए है, एनडीए के सभी घटक दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक मत से इस बार कटिहार लोकसभा सीट जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को देने का निश्चय किए हैं, और ये प्रत्याशी के लिए भी बड़ी बात है और यहाँ के लिए भी। भाजपा में जो है, जो पहले भाजपा के MLC थे अशोक अग्रवाल, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको होगा? देखिए, अब वो क्या करेंगे, हमने उनसे आग्रह किया है और हमारे बड़े भाई है और हमको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। लेकिन मैं जो कटिहार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कटिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, कटिहार इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट रहा है, कटिहार जो है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से भी बहुत उन्नत रहा है, जो है क्रॉप कृषि जो है वो इसका उन्नत रहा है, केले की खेती, मक्के की खेती और जो ग्राइन है उसके वो भी बहुत रहा है, गेहूँ मकई और अनाज में। दूसरा चीज़ है कि व्यवसाय खेती में जूट भी है, तो इन ओर भी मेरा ध्यान है और हमारा ये कोशिश होगा कि जो पुराना इंडस्ट्रियल कटिहार था और जो एग्रीकल्चर कटिहार है इसको और आगे ले जाए और कटिहार के लोगों का भरपूर सेवा करें। और दूसरा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार का चुनाव में कटिहार जिला में सामाजिक सौहार्द की लड़ाई है, समाज के सभी वर्ग, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, सब मिल करके और जो है मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, और ये मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे अच्छा पहलू है, अच्छी बात है। और एक राजनीतिक लोग जब समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट होता है, सहयोग होता है, तो उसका जीवन का वो सबसे बड़ा दिन होता है, और आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। क्या जनता दल यूनाइटेड के आप प्रत्याशी हैं, नेता हैं, भाजपा के तमाम वोट को आप कन्वर्ट करा पाएंगे इस सीट बंटवारे में जो हुआ? हम लोग चुनाव कोई MP के सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश को एक मजबूत दशा और दिशा बदलने का काम किए हैं, देश का फॉरेन पॉलिसी को मजबूत किए हैं, देश के गरीबों को का उत्थान के लिए काम किए, उसका विकास के लिए काम किए हैं, इतने सारी योजना, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, उज्ज्वला योजना गैस के माध्यम से, गांव गली सड़कों को बदलने का काम आदरणीय नीतीश जी ने किए हैं। और देखिए जो बड़ी बात है इस देश के लिए कि देश के दो महान विकास पुरुष, जो देश के प्रधानमंत्री देश लेवल पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो विकास किया है, हम लोग चुनाव तो इनके विकास के नाम पर, इनके नेतृत्व पर लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग की जीत होगी, जनता इसको महसूस कर रही है। भाजपा की परंपरागत सीट रही है कटिहार, कई भाजपा के जदयू शायद मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक लोकसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई है, या चुनाव बहुत लड़ी भी नहीं है, या बहुत लड़ी भी होगी तो बहुत कम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन भाजपा की परंपरागत सीट पर जदयू के कैंडिडेट को देना, कहीं लगता है भाजपा अभी जो परिस्थिति बनी है वो दो खेमे में बटी हुई है, तो आपको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? भाजपा में कोई खेमा ही नहीं है, जिला अध्यक्ष जी कल बैठक में बैठे,
आदरणीय एमपी साहब निखिल बाबू जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो मेरे साथ हम लोग के साथ मजबूती के साथ है, गार्जियन के रूप में है। मंत्री विनोद सिंह जी है, सभी विधायक, सभी विधानसभा के प्रत्याशी, पूरे पार्टी के वर्कर एक साथ लगे हैं। तो बीजेपी में कोई खेमा और दो टुकड़ा का बातें नहीं है, पूरा बीजेपी इंटैक्ट साथ है। बीजेपी के अधना सा कार्यकर्ता जो गांव घर में काम करता है वो भी एनडीए के प्रत्याशी के लिए काम करेगा, और यहाँ कहीं भ्रम, कहीं शक और किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है, ना मुझे है ना उन लोगों को है। ये चुनाव दुलाल गोस्वामी नहीं लड़ रहा है, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, आपको इस बात को महसूस करना होगा। और कटिहार जिला में एनडीए के सभी वर्कर मजबूती के साथ लगे हैं, हम अभी भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे हैं, और ये मजबूती हम लोग को जीत दिलाएगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? पहले तो मुद्दा बता दिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने जो देश के लिए काम किए हैं, बिहार का जो विकास हो, गली नली से लेकर के गांव घर बिजली और हर क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर के, विस्तार से कहें तो बहुत समय लगेगा। बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है और उनका जो छवि है सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश जी के साथ जो जनता का आवाज़ है बिहार में और पूरे देश में, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है यही हमारा चुनाव लड़ने का आधार है। हम लोग तो साधारण आदमी है, कटिहार की जनता मौका देगी तो कटिहार का विकास के लिए जितना करना पड़ेगा करेंगे। जो काम एमएलए के रूप में 2010 के बाद 65 बल्लामपुर में किए थे उसी तरह से मजबूती के साथ सामाजिक सौहार्द, प्रेम, भाईचारा और विकास, यही कटिहार का चुनाव का नारा रहेगा। और कटिहार जिला में जो ये बाढ़ और सुखाड़ का जो समस्या है, कटिहार जिला जो चारों तरफ नदियों से घेरा हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा है उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन कटाव, कटाव पीड़ित, कटाव बचाव राहत, ये भी मेरे मन में है। इसके लिए भी हम आने वाला दिन में मजबूती से काम करेंगे, चाहे पुनर्वास का हो, चाहे कटाव पीड़ित को सुरक्षित करने का हो, या फिर जो अन्य मामला है चैनल निकाल करके, और जो कदवा के जो कुछ पंचायत जो पानी ऊपर होने से नदी से जो बहते हैं उसका चिंता है, सारी चिंताएं हैं, सारे काम को करेंगे। और केवल आपके चैनल के माध्यम से कटिहार की जनता से निवेदन है कि अपने भाई, अपना घर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक जो है किसान, किसान का बेटा और आपके समाज का, आपका अपना भाई बेटा, आप केवल एक बार विश्वास करके देखिए। और अगर हम लोग आपके दुआ और आशीर्वाद से वहाँ पहुँच गए तो इस कटिहार जिला को एक नई इबारत लिखने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे दुलाल चंद गोस्वामी जो एनडीए की तरफ से कटिहार से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने अभी जो हमसे बात की और इसमें अपने पूरे चुनाव के रोड मैप को रखा। अब ये देखने की बात होगी कि दुलाल चंद गोस्वामी को पूरा भाजपा का वोट कन्वर्ट होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बतलाएगा। अपने सहयोगी रतन कुमार के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।